हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लर्निंग शिप। और आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट ट्रिपी पोस्टर इन एडोबी फोटोशॉप सीसी वर्जन। इसमें हम नॉर्मल इमेज को कैसे ट्रिपी पोस्टर में कन्वर्ट करेंगे ये सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो राइट नाउ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल। आफ्टर दैट इमेज को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, कंट्रोल एल करके इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ाना है, इसको ब्लैक में कन्वर्ट करना है, डार्क ब्लैक में। देन क्लिक ओके। अब आपको एक ब्लैंक लेयर ऐड करनी है और इसमें बैकग्राउंड का कलर फिल करना है ब्लैक जी के साथ। अब इसको डुप्लीकेट कर लीजिए कंट्रोल जे से। एक लेयर को हम इमेज के नीचे रखेंगे और एक को बाद में यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो अपर लेयर है इस पे हम मास्क ऐड करेंगे। ये वाइट मास्क है, इसको इन्वर्ट करेंगे कंट्रोल आई के साथ। अब ये इमेज है इसको हम थोड़ा नीचे ले आएंगे सो दैट हम टेक्स्ट ऐड कर सके इसमें। बैकग्राउंड ब्लैक इसीलिए किया कि इमेज जब हम नीचे लेके आएंगे तो बैकग्राउंड ब्लैक ही नजर आए। अब आपको मास्क पे आना है, मार्की टूल लेना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब आपको ब्रश लेना है, मास्क हमारा ब्लैक है तो ब्रश का कलर व्हाइट होना चाहिए। अब ब्रश अप्लाई कीजिए यहाँ पे। ब्रश अप्लाई करने के बाद कंट्रोल डी कर दे, डी सिलेक्ट हो जाएगा जो हमने सिलेक्शन कर रखी है। अब मास्क पे क्लिक करना है आपको, फिल्टर में जाना है और लिक्विफाई को सिलेक्ट करना है, इसको ओके कर दें। लिक्विफाई में आने के बाद आपको बैकड्रॉप शो पे क्लिक करना है सो दैट हमें पिक्चर शो हो जाए। सेटिंग्स ये वाली रखनी है, फर्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे ड्रैग करना है। जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसमें ड्रैग कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब ओके कर दें। देखिए ये अप्लाई हो चुका है इमेज पे। अब आपको टेक्स्ट ले लेनी है, टेक्स्ट पे टी पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे टाइप कीजिए जो लिखना चाहते हैं, ओके। व्हाइट कलर में मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, व्हाइट कलर लीजिए कंट्रोल टी के साथ, इसको रीसाइज कीजिए। अब कंट्रोल जे के साथ इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और अपना सेकंड टेक्स्ट हम लिखेंगे। अब अगेन कंट्रोल जे करके थर्ड वर्ड लिखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं। एंड लास्ट वर्ड कंट्रोल जे करें। यहाँ पे लास्ट वर्ड लिखें, इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाएं। स्ट्रेंज वर्ड इजंट इट। अब चारों को सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ। अब अलाइनमेंट सेट कीजिए
अब कंट्रोल टी कीजिए और इसको रोटेट कर दे -90 डिग्री में, देन क्लिक ओके। अब चारों को ग्रुप कर दे कंट्रोल जी के साथ सो दैट हम इनको इजीली मूव कर सके। वन बाय वन मूव करने से अच्छा है कि आप इनको ग्रुप कर दें। अब हम इनकी पोजीशन सेट करेंगे, वन बाय वन आप इनकी पोजीशन सेट करें। जैसे आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, मैं इसकी सेटिंग इस तरह कर रही हूं। अब आपको क्या करना है, इस पे मास्क अप्लाई करना है ग्रुप पे और इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है। ओपेसिटी कम इसलिए किया कि हमें फेस नजर आए और फेस से हम इजिली इसको कट कर सके। अब पॉलीगन टूल लेना है और इस पे अप्लाई करना है। अब हमारा मास्क व्हाइट है तो हमारा ब्रश का कलर ब्लैक होना चाहिए, इसको ब्लैक कर दे और इसको अप्लाई कर दे। सॉफ्ट ब्रश यूज कर रही हूँ मैं, कंट्रोल डी के साथ सिलेक्शन को डी सिलेक्ट कर दे। ऐसे ही यहाँ पे कर रही हूँ, जहाँ जहाँ फेस है वहाँ वहाँ से उस एरिया को हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे हेयर्स हैं तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, हेयर वाली एरिया से भी इसको ऐसे ही रिमूव करेंगे पॉलीगन की हेल्प से। अब ओपेसिटी को बढ़ा देंगे हम, अब आपको एक ब्लैंक लेयर ऐड करनी है शेडो इफेक्ट के लिए। अगर हम ब्रश डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ऐसे इफेक्ट आएगा, तो हम इसके ओपेसिटी को कम करेंगे। सॉफ्ट ब्रश लेना है, पहले इसको क्लिपिंग कर देना है, क्रिएट क्लिपिंग इफेक्ट लेंगे और इसको ग्रुप में क्लिप कर देंगे और इसको ब्रश को सॉफ्टली अप्लाई करेंगे। ओपेसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 66 के नियर अबाउट रखूंगी ओपेसिटी। व्हाइट ब्रश लेके आप जहाँ को ज्यादा शेडो नजर आ रही है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह हमारा ड्रिपी पोस्टर क्रिएट हो चुका है। आई होप यू लाइक माई ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट और कमेंट भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।